गाइस गाइस तो देखो अभी हम लोग आए हैं, हम लोग हैं एग्रीकल्चर स्टूडेंट और यहाँ झाड़ी में है, देख सकते हैं आप लोग। ये है एग्रीकल्चर का हाल, बोल दिया ऐसे जाओ घास उखाड़ के ले आओ और कॉपी में पेज पे पेज में चिपका लेना, उस पर 20 नंबर मिलेगा, उस पर 20 नंबर मिलेगा। हम लोग चिपकाएंगे पेज पे, उसके बाद उस डिजीज का नाम वाम लिखेंगे, उसके बाद जमा करेंगे, उसके बाद हाँ उसका टेस्ट होगा, उसके बाद 20 नंबर मिलेगा। और 20 नंबर ऐसे खैरात में नहीं देता है सब साला, देखिए देख सकते हैं आप लोग कहाँ कहाँ घुमा रहा है। यहाँ घुमाएगा, उसके बाद यहाँ से उखाड़ के ले जाना पड़ेगा और फिर उखाड़ के सटना पड़ेगा, उसके बाद नंबर मिलेगा, इंटरनल नंबर। तो बस यही है MMDU के स्टूडेंट का हाल, खासकर एग्रीकल्चर वालों के लिए। चलिए आगे दिखाते हैं आप लोगों को क्या क्या हम लोग उखाड़ रहे हैं, आइए देखते हैं, बैठ मजा आएगा। ये आदमी और है उखाड़ने वाला, देख सकते हैं एक अंकित सिंह गौंड और एक हेमंत श्रीवास्तव पांडे, हेमंत पांडे देख सकते हैं। और देखिए हम लोग कहाँ है, हरियाणा के झाड़ी में। देखो गाइस अब मजाक से हट के बता रहे हैं, हम लोग आए हैं सैंपल लेने के लिए, ये फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर, यहाँ हॉर्टिकल्चर ब्रांच है, देख सकते हैं आप लोग। देखिए गाइस बैगन में डिजीज खोज रहे हैं, यहाँ पे गार्ड सर हैं। क्या जी यहाँ पे गेहूँ गिर चुका है, देख सकते हैं। और हम लोग आ चुके हैं उठाने के लिए, मेरे साथ साथ दो आदमी और है उठाने के लिए। अच्छा ठीक है भाई, एक बात बता दे, सैंपल लेते लेते एक किसान से बकचोदी हो चुका है हमारे महानुभाव से, देख सकते हैं यहाँ पे, इधर आइए आप। तो गाइस सबसे पहले मजाक से हट के हम बता दें कि हम लोग आए हैं सैंपल लेने, क्रॉप में जो भी डिजीज लगा होता है, बहुत सारे एक क्रॉप में बहुत सारे डिजीज होते हैं ना, हाँ, तो उस डिजीज के सैंपल इकट्ठे करते हैं, इकट्ठे करके उसको A4 साइज जो होता है लैब में चेक करते हैं, मतलब उसके बाद उसको मतलब धनिया कोरिएंडर भी है, उसके बाद उसको हम चिपकाते हैं पेज पे, उस डिजीज का नाम लिखते हैं, उसमें डिजीज जो लगा है उसका मतलब आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसका मतलब मैनेजमेंट कैसे करेंगे उसका पता करते हैं, मतलब किसानों को बताते हैं। बस यही है, वहीं हम लोग आए हैं डिजीज लेने के लिए। और यहाँ पे अंकित बाबू, अंकित बाबू थोड़ा दिखा दो, यहाँ पे, यहाँ पे पेज में मतलब पॉलीथिन में लिया है डिजीज और अभी हम लोग खोज रहे हैं। चलो देखो गाइज हम लोग थक चुके हैं यहाँ पे, इतना धूप में खोजते खोजते पूरा थक चुके हैं, और अभी तो और खोजना है भाई, अगर डिग्री लेना है तो कुछ तो करना पड़ेगा मेरी जान। चलो और यहाँ पे देख सकते हैं क्या हाल है, राम राम भाई, सॉरी यहाँ की राम राम। लोगों को सैंपल लेते लेते अब रात हो चुका है, मतलब मुनहार हो गया है, भले अभी थोड़ा सा उजाला दिख रहा होगा लेकिन ऐसा है नहीं, अभी हम आपको बैक कैमरे से दिखाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। हम लोग 3 बजे का निकले थे, अभी लगभग कितना टाइम हो रहा है, 6:45 हो रहा है। देखिए ये सब MMDU के बगल में है, ये सब जगह